हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पीएन की जो वैकेंसीज हैं, जो कि 300 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट सेवर को अटेम्प्ट करेंगे। ये जैसा आपका पिछले क्वेश्चन रहे हैं जीके के, जिसमें आपके पास करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके मिक्स क्वेश्चन हैं, तो ये उसी का प्रैक्टिस सेट सेवन है। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 25 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में भी, तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें बोला गया है कि डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। तो बोला गया है कि दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है, अमावस्या के दिन मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है, तो वो कौन सा त्यौहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सोहराय। सोहराय तो आ रहा है, जो कि झारखंड में मनाया जाता है दिवाली के दिन, अमावस्या, दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कौन सा उपन्यास है जो मुल्क राज आनंद के द्वारा जो है वो नहीं लिखा गया है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, द गाइड। द गाइड जो है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, ये लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। ध्यान रखेंगे, द गाइड जो बुक है वो आर के नारायण जी ने लिखी है। बुक से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सेव काली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले मंदिर के परिसर में किया जाता है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो सेव काली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले मंदिर के परिसर में किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कथकली। कथकली एक नृत्य है जो सेव काली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले मंदिर के परिसर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना कि कौन सा महान्यायवादी का जो है वो कर्तव्य, महान्यायवादी का मतलब क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कर्तव्य है। तो महान्यायवादी का जो कर्तव्य है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। जो कानूनी मामले होते हैं उस पर भारत सरकार को जो है वो सलाह देता है। इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत इसे अपॉइंट किया जाता है, किसे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला रूप है। तो डैश की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत जो है, कौन से प्रदेश की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत जो है वो 300 साल पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो उत्कृष्ट कला का रूप है। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सिद्धि कला नृत्य है वो किस राज्य का है, तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य का। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा होती है। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है मानसून के टाइम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 आईपीएल फाइनल मैच आयोजित किया गया था। तो किस शहर में 2023 आईपीएल जो था वो आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपके पास अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी आपका पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र का निदेशक था और उसने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था। तो आपको नाम पूछ रहा है कि कौन जो थे वो कथक केंद्र का निदेशक था और उसने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था, तो वो कौन थे। वो थे आपके पास ऑप्शन नंबर सी, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बजट घाटा क्या है। बजट घाटा का मतलब क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है। तो बजट घाटा क्या होता है, सरकारी व्यय का राजस्व से अधिक होना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, द एक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। यानी कि सरकारी का व्यय, सरकार का जो व्यय है वो राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू है उससे ज्यादा हो जाना, उसे बजट घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राजस्व व्यय क्या होता है, व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो राजस्व व्यय होता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर खर्च किए गया धन, उसे राजस्व व्यय कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो हर दिन सरकार के कार्यों पर जो खर्च होता है।
अगला है, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ग्रैमी पुरस्कार जीता था किसने, कौन सी बुक के लिए? अ मीटिंग बाय द रिवर, इसके लिए जो था वो ग्रैमी पुरस्कार जीता था। भारतीय संगीतकार हैं ये और 1994 में ये जीता गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास है? विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, पवित्र पर्वत कैलाश भारत किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो कैलाश पर्वत किस पड़ोसी देश में है? तो यह है चीन में। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। जो कैलाश पर्वत है वो चीन में है, पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू हवा नहीं चलती है? तो किस राज्य में है जहाँ पर गर्मियों के दौरान जो लू हवा है वो नहीं चलती? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में ग्रीष्म यानी कि गर्मियों के दौरान जो है वो लू हवा नहीं चलती। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, भाई इतना पढ़ा नहीं जाएगा। माई स्टोरी किस महिला लेखक की आत्मकथा है? तो माई स्टोरी जो है वो किस महिला की आत्मकथा है वो आपको बतानी है। तो माई स्टोरी जो है वो कमला दास की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी किसकी, कमला दास की। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो भारत सरकार की एक योजना है, कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी कि DDU GKY, ये योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 15 से 35 साल वाले। ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा। अगला है, नौजवान भारत का भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और कब इन्होंने इस सभा की जो थी वो स्थापना की थी? 1926 में। ध्यान रखेंगे कब? 1926 में। अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अगले भाग के में सूजन आ जाती है? तो घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि जो है, कौन सा आपके पास घेंगा रोग में कौन सा ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है, कौन सी ग्लैंड जो है वो बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपके पास यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है। अगला है, भीतरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भीतरी मंदिर आपके पास उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही हो जाएगा। जो भीतरी मंदिर है वो आपके पास उत्तर प्रदेश में है और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। लॉर्ड शिवा का ये मंदिर है, ठीक है। अगला है हमारे पास, शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने के लिए चर्चा में है, वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो शुभमन गिल सबको पता है कौन सा खेल खेलते हैं, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा जो है वो आपके मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नहीं आता? तो वो है आपके पास करों का भुगतान करना यानी कि टू पे टैक्सेस, ये आपके मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं आता। अगला है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो सितार वादक विश्व प्रसिद्ध कौन थे? वो थे पंडित रविशंकर, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए इनका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पद जीते? तो किस संस्थान की बात हो रही है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में सबसे अधिक पद जीते? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि पंजाब विश्वविद्यालय। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिम और पूर्व क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए किस वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, लीग ने देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए किस वर्ष जो है प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा गया था 1940 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। किसने रखा, कब रखा गया था? 1940 में ये रखा गया था, ठीक है। तो ये थे आपके पास आज के वीडियो के 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके पंजाब हरियाणा क्लर्क या फिर PN की वैकेंसीज हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए।
अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।